हेलो मनीष जी, आप AISF और JACP के जॉइंट कैंडिडेट रहे हैं इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, स्टूडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। पिछले बार का जो आपका इलेक्शन का मुद्दा था कि PU to CU, पटना यूनिवर्सिटी टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने वाली बात थी, उसका अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लस एक फ्लाईओवर की बात थी, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है उन सब चीज़ों में? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात थी, वो जन अधिकार छात्र परिषद हमेशा से उठाता आया। मैं एक दो चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि पिछले चुनाव में JDU जो खुद सरकार में है, वैसे लोगों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया पिछले चुनाव में और छात्रों से वोट लेकर चले गए, जीत गए। जब नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति को लेकर पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में आए, साइंस कॉलेज में आए, तो जन अधिकार छात्र परिषद के साथियों ने ये मांग की थी कागज के माध्यम से, इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद, कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मोदी जी यहाँ आके ये बहला के चले जाते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा न देके बहुत बड़ा पैकेज देके जाएंगे। ये बहलावा सरकार का है और ये सवाल हमसे नहीं, ये सवाल JDU से होना चाहिए, जो पिछले चुनाव में वोट बटोर के चले गए और जबकि वो विश्वविद्यालय में भी शासन का हिस्सा रहे और सरकार में भी हिस्सेदारी रही, केंद्र सरकार में भी हिस्सेदारी रही, लेकिन तब भी वो विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए। 24 तारीख को हम लोग का जन क्रांति मार्च था, लाखों लाख की संख्या में पटना के सड़कों पर छात्र उतरे थे। हम लोग का सबसे पहला वहाँ एजेंडा था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। जहाँ तक फ्लाईओवर की बात है, पटना मगध महिला में हम लोग लगातार 3 से 4 से 5 बार हम लोग गवर्नर तक जा चुके हैं कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाए, यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है, यहाँ जेंडर वुमेंस जेंडर सेल एक्टिव किया जाए, महिलाओं के लिए शिक्षा और छात्रावास दोनों फ्री किया जाए। बहुत सारी हम लोग की डिमांड्स थी जो हम लोग शुरू से करते आए हैं। जिस दिन हम लोग छात्र संघ अध्यक्ष चुनके आएंगे, मेरा पहला डिमांड और मेरा पहला मुद्दा होगा कि पटना विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए शिक्षा और छात्रावास दोनों फ्री किया जाए, प्लेसमेंट सेल हो, सुरक्षा हो, CCTV कैमरा लगे, और बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो हम लोग इसको लेके आएंगे। थैंक यू।